अच्छा जी, पहला लेक्चर हमने लिया था, उसमें हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट एल्स इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम में कौन से इश्यूज हैं जो कि इसको खराबी की तरफ लेके जाते हैं या जो इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। आज हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, इसके हवाले से एक इकोनॉमी से रिलेटेड जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपको मिलेंगे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की फाइनेंस वाली जो वेबसाइट है ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वहां से आप मतलब ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान हाईलाइट्स। तो वो हाइलाइट्स वाली जो फाइल होती है वो छोटी फाइल होती है और उसमें आपको मेन फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, काफी सारी चीजें आपको वहां से मिल जाती हैं। हमारे जो होते हैं क्या उसे कहते हैं, पर कैपिटा, पर डॉक्टर कितने बंदे हैं, पर हॉस्पिटल कितने बेड्स हैं, पर बेड कितने हमारी पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें आपको वहां से ना इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से मिल जाएंगी। सो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर फैक्ट्स एंड फिगर्स विद यू गाइस, लेकिन मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को माजूर करती हैं, अपाहज बना के रखती हैं, कंटिन्यूसली उसको नीचे की ट्रेजेक्ट्री की तरफ रखती हैं, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक चीज ध्यान में रखिए कि जब भी आपके पास सीएसएस में पेपर आए, आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, कोशिश कीजिए आप उसको जितने हिस्सों में डाइसेक्ट कर सकें, जितने हिस्सों में उसे डिवाइड करेंगे। अच्छा, बल्कि आज मैंने एक देखा, एक स्टूडेंट मुझे बता रही थी कि उसने टॉपिक को पहले ही डाइसेक्ट कर दिया और इंडिविजुअली एक एक पॉइंट को लेकर उसने सारी रिसर्च की, लेकिन टॉपिक के क्रक्स को वो नहीं समझ सकी। सबसे पहला काम ये कीजिए कि टॉपिक को अंडरस्टैंड कीजिए कि उसका ओवरऑल पूरे वो टॉपिक जो लाइन लिखी हुई है उसका मतलब क्या है। पेपर चेकर या एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है, व्हेन यू आर डन डूइंग दैट, जब आपको वो समझ आ जाए उसके बाद फिर उसको डाइसेक्ट कीजिए, ये हिस्सा लैदा, ये हिस्सा लैदा, इसको लैदा रिसर्च करना है। अभी आपके पास टाइम है रिसर्च करने का, पेपर में रिसर्च का टाइम नहीं, पेपर में ब्रेन स्टॉर्मिंग का टाइम है, तो वहां पे आपने फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ये टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का, व्हाट एल्स इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ये टॉपिक है हमारा। लेट्स से तो इसमें हम लोग दो किस्म के फैक्टर्स मेजर देख सकते हैं, एक एक्सटर्नल चीजें जो हमारी इकोनॉमी को वीकन करती हैं और एक इंटरनल चीजें, हमारे अपने करतूत, हमारे अपने अवामल जो हमें कमजोर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल चीजें देख लेते हैं। देर इज अ ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड। ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड कहती क्या है, जैसा कि नाम से जाहिर है, ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड हमें यह कहता है कि अगर आप सक्सेसफुल इकोनॉमी बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल इकोनॉमी, यू योर ट्रेड पार्टनर्स मस्ट बी, अब दो आगे इसने शराइत रखी हैं, योर ट्रेड पार्टनर्स मस्ट बी द नियरेस्ट एंड द बिगेस्ट इकोनॉमीज। अगर आप अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं तो आपके ट्रेड पार्टनर्स करीब तरीन की इकोनॉमीज और बड़ी तरीन इकोनॉमीज होनी चाहिए। अब इससे मुराद क्या है, पाकिस्तान के मामले में मुराद इससे लेते हैं, पाकिस्तान में करीब तरीन इकोनॉमीज कौन सी हैं, इंडिया की है, चाइना की है, आसियान कंट्रीज हैं उनकी है, ये करीब तरीन की इकोनॉमीज हैं और यही बड़ी इकोनॉमीज भी हैं। तो असूली तौर पर अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड, हमारे ट्रेड पार्टनर्स जिनके साथ हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का वो एक बैलेंस कायम होना चाहिए, दे शुड बी आर रीजनल ट्रेड पार्टनर्स, जो बड़ी और करीब तरीन इकोनॉमीज हैं। मजे की बात क्या है, पाकिस्तान की रीजन के अंदर बहुत लिमिटेड ट्रेड है, इंडिया के साथ ना होने के बराबर, अफगानिस्तान के साथ हाईली इम्बेलेंस्ड, ईरान के साथ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, पाबंदियों की वजह से ना होने के बराबर,
हमारे बड़े ट्रेड पार्टनर्स यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, जहां पे हम लोग एक्सपोर्ट्स ज्यादा कर रहे होते हैं, कोई फ्रूट भेज रहे हैं, गंदम भेज रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें भेज रहे हैं। रीजन में हमारी चाइना के साथ ज्यादा ज्यादा पार्टनरशिप है, लेकिन उसमें भी इम्बेलेंस बहुत ज्यादा है। हमारी इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा है चाइना से, हम बहुत चीजें मंगवा रहे हैं। लेट से हम ये एग्जैक्ट मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर मुझे नहीं पता, हम लोग चाइना से लेट से 80% हमारी इम्पोर्ट है, 20% हम चीजें भिजवा रहे हैं। वो भी ऐसी चीजें होंगी जो उनको और कहीं से मिल नहीं सकती, या सस्ती और कहीं से नहीं मिल सकती, या रीजनेबल कहीं और से नहीं मिल सकती, तो वो हम ऑब्वियसली फिर वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इम्बेलेंस्ड, तो ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि देर इज नो और लीस्ट रीजनल ट्रेड। लेट से मेरी दुकान है एक, अल्लाह आपका भला करे, सिलेंडरों की, सिलेंडर के गैस हैं, सॉरी सिलेंडर के गैस नहीं है, गैस वाले सिलेंडर की दुकान है, ठीक है। अब मैं अपने सिटी में गैस भरवाने की सहूलत भी मौजूद है, जहां से मैं रीफिल करवा सकता हूं, कंपनीज मौजूद हैं, और अपने सिटी में सेल करने की भी मौजूद है। लेकिन मैं कर क्या रहा हूं शहजेब साहब, मैं जब लेक्चर दे रहा हूं तो खुदा का वास्ता है मैसेज ना किया करें, कमेंट ना किया करें। मैं कई दफा बता चुका हूं, कमेंट्स एंड पे कर लिया करें, इस तरह की सवालों जवाब बात एंड पे कर लिया करें, मेरी सारा फोकस उस साइड पे हो जाता है और मैं मेन टॉपिक से हट जाता हूं। ये खुदा का नाम लें और ये काम ना किया करें। अच्छा, मेरी गैस के सिलेंडर की दुकान है, यहाँ पे गैस रीफिल भी हो सकती है और यहाँ पे गैस मैं सेल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं, अपने सिटी को छोड़कर दूसरे सिटी से रीफिलिंग करवाने जाता हूँ और अपने सिटी में सेल करने के बजाय दूसरे सिटी में सेल करने जाता हूं। तो अब मेरी सेल करने की प्राइस तो वही है जो ओवरऑल गैस की प्राइस है, तो मुझे यहां से जो दूसरे सिटी में जाने के आने के अखराजात हैं, गाड़ी के अखराजात हैं, रीफिलिंग के अखराजात हैं, वो मुझे एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं। वही ट्रेड, वही बिजनेस अगर मैं लोकली करूं, अपने इलाके में पोटेंशियल भी मौजूद है, मैं उनके साथ कर भी सकता हूं, फिर भी नहीं कर रहा। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी के वीक होने की, कि देर इज नो और लीस्ट रीजनल ट्रेड, अगर है भी तो वो बड़ी ही इम्बेलेंस्ड है। दूसरे नंबर पे इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होती है। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल असल महल में टर्म है इसकी, जो कंपनीज हैं वो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स आपके कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, नई इंडस्ट्री लगती है, प्लांट्स लगते हैं, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन के हवाले से आपके यहाँ पे काम हो रहा होता है, उसमें बाहर के जो एक होती है किसी स्टेट की इन्वेस्टमेंट, उसको आप उस तरह एफडीआई में नहीं लेते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं लेते, क्योंकि उसमें स्टेट इंटरेस्ट भी होते हैं, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, एक दूसरे के साथ लेन देन भी इन्वॉल्व होता है। एक होता है जो इंडिविजुअल या कोई कंपनीज या कोई बंदे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसमें आपको ज्यादा फायदा होता है, आपकी स्टेट को ज्यादा फायदा होता है। लेकिन हमारे यहां पे प्रॉब्लम क्या है, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ अरसे से, पिछले 20 साल से स्पेसिफिकली अगर आप देखो, वॉर ऑन टेरर से लेकर ऑनवर्ड्स, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करती रही है। उसमें डिफरेंट रीजंस हैं, एनर्जी क्राइसिस एक रीजन है, टेररिज्म एक रीजन है, हमारे टैक्स का जो कल्चर है वो स्मूथ ना होना एक रीजन है, हमारे जो बाहर से लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, यहाँ पे जो गवर्नमेंटल प्रोसीजर्स हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाने और इस तरह के वो सारे काम करने, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, उस वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन कर गई। हमारे इवन वो लोग जो यहाँ के पाकिस्तानी नेशनल्स थे, जिन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई हुई थी, जिन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ था, वो लोग भी यहां से अपनी इंडस्ट्री उठा के कोई इंडिया शिफ्ट हो गया, कोई नेपाल शिफ्ट हो गया, कोई बांग्लादेश शिफ्ट हो गया, कोई चाइना शिफ्ट हो गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ बल्कि लोकल इन्वेस्टमेंट भी हमारी यहां से आस्ता आस्ता गायब होनी शुरू होगी। अब पिछले कुछ अरसे से, अब ये जो हमें इस वक्त वक्ती तौर पर हम देख रहे हैं ना, हम वक्ती तौर पे जो थोड़ा देख रहे हैं कि एनहांस हो रही है हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन रेमिटेंसीज एनहांस हो रहे हैं, ये वक्ती हैं। इसकी बेस पर हम ट्रेजेक्ट्री नहीं बना सकते कि अगले 2, 4, 6 साल भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्टैटिक एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब ये हमारा वो एक मैथमेटिकल
मीडियम सा लेवल है, यहां से कभी ऊपर चली जाती है, कभी यहां से नीचे आ जाती है, कभी फिर ऊपर, कभी फिर नीचे। तो ओवरऑल ये एक स्टैटिक सी है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी वीक है। फिर हमारी नेबर्स के साथ लड़ाई, नेबर्स के साथ लड़ाई क्या है? ईरान के साथ आइडियोलॉजिकल फ्लॉज हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम सऊदी अरब के दोस्त हैं इसलिए हमने ईरान के साथ नहीं बना के रखी हुई। अफगानिस्तान के साथ हमने पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर्स में एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने वो पोस्ट 9/11 जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी थी और अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन थे उसमें जो स्ट्रेन आता रहता था वो हमने डिस्कस किया था। अफगानिस्तान के साथ वो इशू है, इंडिया के साथ हमारा वैसे वो ऑल वेदर एनिमोसिटी हमारी चल रही है। उसके बाद आप बात कर लें, हमारे इमीडिएट नेबर्स तो यही हैं, ठीक है। चाइना की बात कर लें, चाइना के साथ भी हमारा फायदे का रिलेशनशिप है, कोई बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं है। अब होता क्या है, लेट्स से मेरे घर में वो कहते हैं ना जी कि अगर आपका वैर है, अगर आपकी लड़ाई है किसी के साथ, अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, तो वो दुश्मनी आपकी नस्लें खत्म कर देती है। नस्लें सिर्फ और सिर्फ वो कत्लो गारत से खत्म नहीं होती, नस्लें इसलिए भी खत्म होती हैं। मैं लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अल्लाह माफी दे, मेरा किसी के साथ लड़ाई है, मोहल्ले में, सिटी में, किसी जगह पे भी मेरी लड़ाई है, और उस लड़ाई में मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भिजवा रहा, मैं अपने बच्चे को अच्छा खाना नहीं खिला पा रहा, बिकॉज मेरे इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी पे, गन्स पे और अपने घर में कैमरे लगवाने पे और इस चीजों पे मेरी ज्यादा है, मैं अपने घर वालों को अच्छा खाना नहीं खिला पा रहा, मैं उनकी आउटलुक नहीं कर पा रहा, उनको बाहर रिक्रिएशनल पर्पजेस के लिए नहीं लेके जा रहा। ये छोटी सी मिसाल दे रहा हूं यूनिटरी लेवल पे, घर के लेवल पे। अगर मैं ये सारे काम नहीं कर रहा, साइकोलॉजिकल, फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, हर लिहाज से मेरी फैमिली पीछे रहती जाएगी। पीछे मसला क्या था? सिर्फ एक लड़ाई, सिर्फ एक मेरी जाती अना का मसला। हमारे इस रीजन में अफगानिस्तान के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, ईरान के साथ नहीं है, इंडिया के साथ नहीं है, चाइना के साथ है, वो भी फायदे की वजह से है। ये जो नेबर्स के साथ एनिमोसिटी है इसकी वजह से वी आर टू मच डिपेंडेंट, वी आर टू मच कंसर्न्ड विद आर सिक्योरिटी, और उस सिक्योरिटी की वजह से हम लोग बाकी डोमेन्स पे उतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बाकी डोमेन्स पे इतने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। इवन जहां पे इन्वेस्टमेंट हो भी रही है वहां पे फिर वो आपके बाकी सारे इश्यूज आ जाते हैं, गवर्नेंस के, करप्शन के, चोरी चकारी के, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ना होना, पॉलिसी मेकिंग ना होना, वो सारे इश्यूज बाद में आ जाते हैं। लेकिन 18% ऑफ योर बजट, ऑफ योर GDP गोज टूवर्ड्स योर डिफेंस, और एजुकेशन पे इतना इन्वेस्ट नहीं हो रहा, हेल्थ पे इतना इन्वेस्ट नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें डिफेंस पे बजट कम करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाकर बाकी बजट्स को एट पार विद डिफेंस करना चाहिए। एजुकेशन पे भी उतना इन्वेस्ट करें हम, हेल्थ पे भी उतना इन्वेस्ट करें। डिफेंस आज के दौर में बहुत जरूरी है, अगर डिफेंस ना हो या ना होता तो शायद हम भी उसी तरह के हालात में होते, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज वाले हालात में। एनीवेज दैट इज एंटायरली अनदर टॉपिक। उसके बाद हमारे जितनी गवर्नमेंट्स रह चुकी हैं, जितना हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, उस ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक हम लोग हैविली रिलाय करते हैं फॉरेन एड के ऊपर। लोकल पोटेंशियल होने के बावजूद, अब हमारे पास पोटेंशियल कौन कौन सा है? सबसे बड़ा और कारामत पोटेंशियल हमारे पास मैन पावर है। पाकिस्तान की 65% आबादी यंगस्टर्स के ऊपर बेस कर रही है, मेरे और आप जैसे लोग, 18 साल से 35 साल की एज के लोग, 65% ऑफ आर पॉपुलेशन। इतना बड़ा पोटेंशियल होना और उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास ऑयल एंड गैस, पाकिस्तान के पास मिनरल डिपॉजिट्स, पाकिस्तान के पास मार्बल्स, पाकिस्तान के पास नमक, पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज, पाकिस्तान के पास चार सीजन, पाकिस्तान के पास ब्यूटीफुल सीनरीज, पाकिस्तान के पास टूरिज्म। इतना ज्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद वी रिलाय ऑन फॉरेन एड। जहां कहीं पे फंसना है, IMF वाले को पैसे दे दियो जी, वर्ल्ड बैंक वाले को पैसे दे दियो, फलाने वाले को पैसे दे दियो, बस हाथ ऐसे फैला के ही रखा हुआ है। वाई डोंट वी एक्सप्लॉयट दीज थिंग्स?
इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं होगा कि आज अगर इमरान खान कहता है कि मैंने टूरिज्म को डेवलप करना है तो अगले साल डेवलप हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन आप इन्वेस्ट तो कीजिए ना। अब छोटी सी इन्वेस्टमेंट टूरिज्म को डेवलप करने के लिए क्या है, दुनिया के व्लॉगर्स जिनको सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ पीपल डेली बेसिस पे देख रहे हैं, सिर्फ उन व्लॉगर्स को फ्री पैकेजेस दो नॉर्दर्न एरियाज पे लेके जाओ, जस्ट घुमाने फिराने के लिए, पाकिस्तान की कल्चर दिखाओ, पाकिस्तान को विजिट करवाओ, वो फिर व्लॉग्स करेंगे वहां पे, वीडियोस पोस्ट करेंगे, वो वर्ल्ड वाइड फेमस होंगी, लोग टूरिज्म के लिए आएंगे। अब ये छोटा सा पॉइंट मेरे जेन में अगर आ सकता है तो पॉलिसी मेकर्स के जेन में नहीं आ सकता, ऑब्वियसली उनके जेन में है, लेकिन प्रायोरिटीज नहीं है। हम लोग रिलाई करते हैं इजी वे में। ये इसी तरह है, मेरे घर पे 1 किलो सोना पड़ा हुआ हो, मेरी दुकान है करियाने की, मैं घर का सोना यूटिलाइज करने की बजाय अपने किसी दोस्त को बोलूं यार मुझे 5 लाख रुपए दो, मेरे किराने की दुकान में मैंने सामान लाना है तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर लूं। भाई घर से सोना लो ना, अपने घर पे पड़ा उसको इन्वेस्ट करो, उससे सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी, जितनी सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी उतना रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना तुम खुशहाल हो जाओगे। लेकिन नहीं करना सोखा काम, पैसे पकड़ लो और इन्वेस्ट कर दो, सोना संभाल के रखो बस, और भावे जंग लग जाए पे आप।